नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र। ये पहली यूनिट है दोस्तों, इस पर अपन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन की डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों आपके सुझाव भी आमंत्रित रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार किया जाए वो भी आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विकास कब से माना जाता है? तो दोस्तों समाजशास्त्र का विकास है वो माना जाता है 19वीं शताब्दी से। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो दोस्तों समाजशास्त्र का जनक माना जाता है अगस्त कामटे को, या मैं थोड़ी आपको डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों अगस्त कामटे हैं ये फ्रांस के विद्वान थे और इन्होंने 1838 में सोशियोलॉजी शब्द की रचना की और इन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी नाम दिया। इसके अलावा अगस्त कामटे के बारे में मैं बताऊँ तो इनकी दो रचनाएँ हैं महत्वपूर्ण, पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी। इसके अलावा दोस्तों अगस्त कामटे ने वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत दिया था और इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा था। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एक साथ आपके समझ में आए होंगे कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द की रचना किसने की, तो अगस्त कामटे ने, और समाजशास्त्र का जनक अगस्त कामटे, और अगस्त कामटे कहाँ के विद्वान थे तो दोस्तों फ्रांस के, और अगस्त कामटे ने सोशियोलॉजी शब्द की रचना कब की तो 1838 में, और समाजशास्त्र के स्थान पर जो अगस्त कामटे हैं इन्होंने इसे क्या नाम दिया, या समाजशास्त्र को अगस्त कामटे ने क्या नाम दिया, तो इन्होंने दोस्तों सामाजिक भौतिकी नाम दिया। इसके अलावा जो अगस्त कामटे हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम बताओ तो पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी। और मैं बात करूं वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने दिया तो अगस्त कामटे, और समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा तो अगस्त कामटे। तो दोस्तों एक साथ आपके 5-7 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ दोस्तों आपको, जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सोशियस और दूसरा है लोगस। जो सोशियस शब्द है ये है लेटिन भाषा का जिसका अर्थ है समाज, और लोगस है ये है ग्रीक भाषा का जिसका अर्थ है शास्त्र। तो इसी कारण जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे दो भाषाओं के अवैध संतान कहा, क्योंकि समाजशास्त्र है वो ग्रीक और लेटिन दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा। और इन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं? तो दोस्तों भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं डॉक्टर घुरिए, याद रखना, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कामटे, भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर घुरिए। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन दो भाषाओं से हुई? तो दोस्तों समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक और लैटिन इन दो भाषाओं से, मैंने आपको पीछे समझा दिया। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुछ, वो मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट है, सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों सोसाइटी पुस्तक है ये लिखी थी मैकाइवर तथा फेज ने। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी यह किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना है दुर्खिम की। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यह है, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसने दी? समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों यह परिभाषा दी थी किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है, यह किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों यह परिभाषा है मैकाइवर व फेज की। नेक्स्ट है दोस्तों, कास्ट इन इंडिया यह किसकी रचना है? कास्ट इन इंडिया यह किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना है हंटन की। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वा बहिने हैं, समाजशास्त्र व मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहिने हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है कोबर का। नेक्स्ट है, सोसाइटी का अतीत लंबा है किंतु इतिहास छोटा है, सोशियोलॉजी का अतीत लंबा है किंतु इतिहास छोटा है, सॉरी मैं सोसाइटी बोल गया था, सोशियोलॉजी का अतीत लंबा है किंतु इतिहास छोटा है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है बियर स्टीड का, आया हुआ क्वेश्चन है बियर स्टीड,
ऐसी दोस्तों साइकोलॉजी में भी एक विद्वान ने कहा था साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री, यानी साइकोलॉजी का अतीत तो लंबा है किंतु इतिहास छोटा है। यह मनोविज्ञान के लिए कहा था एबिंगहॉस ने, और सोशियोलॉजी के लिए किसने कहा है, बियरस्टिड ने। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी थी किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है चिंतन की तीन अवस्थाओं का वर्णन किसने किया, चिंतन की तीन अवस्थाओं का वर्णन किसने किया, तो दोस्तों चिंतन की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया था अगस्त कामटे ने। इन्होंने मानवीय चिंतन के तीन स्तर या तीन लेवल बताए थे, आध्यात्मिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन और प्रत्यक्षवादी चिंतन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।